आप सभी का फेवरेट शो ये है मोहब्बतें में। इशिता के रोल में हर किसी का दिल, अपनी ओर खींचने वाली, हर किसी के दिल में अपनी खास जगह बनाने वाले दिव्यांका त्रिपाठी को रिसेंटली स्पॉट किया गया 15th इंडियन टेली टेक्निकल ट्रेड एंड प्रोग्रामिंग अवार्ड के रेड कार्पेट पर, जहां शानदार प्योर व्हाइट कलर के आउटफिट में डार्क मरून लिप शेड लगाए दिव्यांका ने वहां मौजूद हर किसी के दिलों की धड़कन यकीनन बढ़ा दी होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए दिव्यांका के ओवरऑल लुक की, तो वो अपनी इस अट्रैक्टिव सेमी फॉर्मल ड्रेस में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई। इसी के साथ चलिए आपको सुनवाते हैं कि मीडिया के साथ हुई इंटरेक्शन में दिव्यांका ने क्या कुछ खास बातचीत की। अरे खास करके हमारी कंट्री में टेक्नीशियंस को वो खाली जो लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, एक्टर्स लोग हैं, वो पहचानते हैं, लेकिन आउट ऑफ द इंडस्ट्री दे वेरी लेस पीपल हु आर अवेयर कि यू नो बेस्ट डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कौन है टेलीविजन में, ADs कौन है जो अपकमिंग है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए ताकि ये लोग ग्रो भी करें एंड पीपल आर अवेयर सो दे कैन अप्रिशिएट। टेक्नीशियन में किस चीज़ में, कौन सी कैटेगरी में? बहुत लोग हैं। आप अगर मैं नाम लूँ तो पता नहीं वो नॉमिनेटेड हैं कि नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन डायरेक्टर में आई वुड लाइक टू नेम पार्थो दादा, क्योंकि अभी हमारे पार्थो मित्र घोष जो कि हमारे डायरेक्टर हैं मोहब्बतें के ऑनगोइंग, उन्होंने मुझे लॉन्च किया था एक टाइम पे बनू है तेरी दुल्हन में कई साल पहले, और आज भी वो हमें डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर। सो यस, आई थिंक आई वुड लव टू नॉमिनेट हिम एंड मे बी इस्माइल उमर खान हु इज़ अ डियर फ्रेंड एंड अ वेरी गुड डायरेक्टर। I would like to see Amit Gupta, who's a director. I'd like to see him as one of the nominated directors. Then Prasad sir, who's currently directing my show. Ismail bhai, of course, who is a very dear friend of ours. So a lot of people there are, but let's see, you know, who the Indian telly decides to honor today. I'm looking forward to it. Yeah. आप नील मोटवानी और विंध्या की बात कर रहे हो, साथ में मुझे दीपिका और रणवीर भी याद आ रहे हैं। उफ, इतने अमेजिंग कपल्स, इतना अच्छा लगता है जब लोग परफेक्ट अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं, शादी करने का डिसाइड करते हैं, बिकॉज एक ज़माने में शादी बहुत बड़ा टैबू होता था। आई थिंक नाउ हमारी इंडस्ट्री में टैबू नहीं, बट पीपल वर नॉट ओपन, उनको लगता था कि एक बार शादी कर ली तो आपका टैग लग जाएगा, आप स्टीरियोटाइप हो जाएंगे, हस्बैंड बन जाएंगे तो हीरोइंस ऑडियंस आपको देख नहीं पाएंगी विद अदर एक्ट्रेसेस, बट ऐसा नहीं है। अभी सोच बदल चुकी है व्यूअर्स की भी एंड थैंकफुली एक्टर्स की भी, और वो लोग तुरंत डिसीजन लेके शादी करें। आई थिंक कंफ्यूजन। नेक्स्ट नाइट लाइव से शिवानी की रिपोर्ट।